हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ के इंग्लिश कुमार भारती का 3.2 लेसन द नाइट आई मेट आइंस्टाइन। द नाइट आई मेट आइंस्टाइन यानी कि वो रात जब लेसन के राइटर जेरोम की मुलाकात दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन से पहली बार हुई थी। जेरोम विडमैन का जन्म 1913 में मैनहट्टन न्यूयॉर्क में हुआ था और उनकी डेथ 1998 में न्यूयॉर्क में हुई थी। जेरोम विडमैन एक अमेरिकन लेखक थे जो अमेरिकन नाटक लिखा करते थे और साथ ही जेरोम एक नॉवेलिस्ट भी थे जो नॉवेल लिखा करते थे। बच्चों, नॉवेल का मतलब होता है एक किताब जिसमें बहुत लंबी कहानियाँ होती है जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स या इवेंट्स होते हैं। 1960 में जेरोम के म्यूजिकल ड्रामा फियोरेलो को पुलित्ज़र प्राइज मिला था। म्यूजिकल ड्रामा मतलब एक परफॉर्मेंस जिसमें डायलॉग्स को गा गा कर बोला जाता है। बच्चों, फियोरेलो एक इटालियन नाम है जिसका मतलब होता है लिटिल फ्लावर और पुलित्ज़र प्राइज एक अवार्ड है जो यूनाइटेड स्टेट में किसी लेखक को दिया जाता है उसके शानदार ड्रामा के सक्सेस के लिए। बच्चों, फियोरेलो एक ड्रामा की किताब है जिसमें थिएटर परफॉर्मेंस बताई गई है कई सारे सॉन्ग्स, डांस और डायलॉग के साथ। फियोरेलो बुक न्यूयॉर्क सिटी के मेयर यानी कि हेड पर लिखी गई है जिनका नाम फियोरेलो हेनरी ला ग्वार्डिया था। फियोरेलो ड्रामा की बुक बनाने में कई सारे लोग शामिल थे। जेरोम और जॉर्ज एबर्ट फियोरेलो बुक के लेखक थे। बच्चों, जॉर्ज एबर्ट एक लेखक थे और साथ ही अमेरिका के थिएटर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। जेरोम के दूसरे साथी जेरी बॉक फियोरेलो बुक में डाले गए संगीत के संगीतकार थे और शेल्डन हार्निक ने संगीत के बोल लिखे थे। जेरोम की बहुत ही मशहूर किताब आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल पर मूवी भी बन चुकी है और मूवी का नाम भी किताब के नाम पर ही रखा गया है, आई कैन गेट इट फॉर यू होलसेल। यहाँ से जेरोम अपनी कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं लेसन। जेरोम बता रहे हैं कि जब वो नौजवान थे तब उन्हें आमंत्रित किया गया था रात के खाने के लिए एक समाज सेवा करने वाले, चैरिटी करने वाले के घर पर। शानदार खाना खाने के बाद एक हॉस्टेस जेरोम को और दूसरे मेहमानों को घर के सबसे बड़े कमरे में ले गई जहाँ मेहमानों के लिए एक खास व्यवस्था थी। बच्चों, हॉस्टेस का मतलब है कुछ ऊंचे दर्जे वाली सर्वेंट जो घर पर आए हुए सभी मेहमानों का ख्याल रखती है, जैसे कि दरवाज़ा खोलना, बंद करना, सबको खाना खिलाना और पानी देना। अब बड़े कमरे में कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही थी और जेरोम भी उस कमरे में संगीत कार्यक्रम के लिए कुर्सियाँ लगाने की व्यवस्था करने लगे। अब जेरोम के पास खड़ी नौकरानी ने जेरोम से कहा, हम आज बहुत ही अच्छे पियानिस्ट को सुनने वाले हैं। राइटर बता रहे हैं कि हर कोई बहुत खुश नज़र आ रहा था, पर राइटर खुश नहीं थे क्योंकि राइटर को क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता था। राइटर को लगता था कि वो संगीत के ऊंचे और नीचे स्वरों के बीच के अंतर को सुनने में और समझने में असमर्थ है, असक्षम है। राइटर को संगीत समझ में नहीं आता था, फिर भी वो संगीत के कार्यक्रम में बैठ गए ताकि आसपास के लोगों को वो ज़रा से भी असभ्य ना लगे और वो संगीत शुरू होने का इंतज़ार करने लगे। संगीत शुरू हो जाने के बाद राइटर ने संगीत के ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद राइटर को तालियां बजने का शोर सुनाई दिया तो राइटर को ये एहसास हुआ कि संगीत ख़त्म हो गया। फिर तुरंत ही राइटर ने एक शांत और मजबूत आवाज़ सुनी जो कि राइटर से कह रहे थे कि तुम शौकीन लगते हो बाख के। बच्चों, बाख 17 सेंचुरी के जर्मन ऑर्गेनिस्ट थे। ऑर्गेनिस्ट का मतलब होता है ऑर्गन इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियन। बच्चों, ऑर्गन एक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसे म्यूजिशियन अपने हाथों से और पैरों से बजाता है। बच्चों, बाख का पूरा नाम था जोहान सेबेस्टियन बाख और बाख एक जर्मनी के बहुत बड़े संगीतकार थे।
अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति का सवाल सुनते ही राइटर ने उस व्यक्ति से कहा, मैं बाख के बारे में उतना ही जानता हूँ जितना कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानता हूँ। राइटर कुछ साधारण कहना चाहते थे ताकि वो इस परिस्थिति से बाहर निकल सके, इसलिए राइटर को जो अच्छा लगा वो राइटर ने उस समय अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति से कह दिया। राइटर अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को देखने के लिए मुड़े और उन्होंने देखा एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरे को जिनके बाल सफ़ेद घने और जंगली दिखाई दे रहे थे और उनके मुंह में एक पाइप था और उनका चेहरा देखकर राइटर धक रह गए क्योंकि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन थे। बच्चों, पाइप एक नैरो ट्यूब है जो वुड से बनती है जिसके एक एंड पर बाउल होता है जिसमें टोबैको बर्न की जाती है और दूसरे एंड पर एक माउथ होता है जिससे धुएं को मुंह में खींचा जाता है। राइटर जानते थे कि उन्हें आइंस्टाइन को सच बताना ही होगा। आइंस्टाइन राइटर को ऐसे देख रहे थे जैसे राइटर का जवाब उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राइटर ने कहा, मैं बाख के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने बाख का कोई भी संगीत कभी भी नहीं सुना। आइंस्टाइन ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। आइंस्टाइन ने राइटर से पूछा, तुम्हें बाख के बारे में कुछ नहीं पता? आइंस्टाइन ने ऐसा रिएक्शन दिया जैसे कि राइटर ने कहा कि राइटर ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहाया नहीं है। राइटर ने जवाब दिया, वो संगीत को समझना चाहते हैं ताकि वो बाख को अच्छे से समझ सके, अच्छे से जान सके, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो संगीत के ऊंचे और नीचे स्वरों को समझने में असमर्थ है। आइंस्टाइन राइटर की बात सुनते ही खड़े हो गए। आइंस्टाइन ने राइटर से कहा, तुम मेरे साथ ऊपर आओ। राइटर वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने आइंस्टाइन की तरफ देखा पर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आइंस्टाइन ने राइटर को एक बार फिर से अपने साथ आने के लिए अनुरोध किया, इसलिए राइटर को आइंस्टाइन के साथ जाना ही पड़ा। राइटर आइंस्टाइन के साथ ऊपर गए। वहाँ आइंस्टाइन राइटर को एक कमरे में ले गए जिसमें एक ग्रामोफोन था। अब आइंस्टाइन ने राइटर से पूछा कि तुम्हें किस तरह का संगीत पसंद है? बच्चों, ग्रामोफोन एक ओल्ड फैशन डिवाइस है जो रिकॉर्डेड म्यूजिक बजाने के लिए यूज़ किया जाता था। राइटर ने आइंस्टाइन के सवाल का जवाब दिया, मुझे ऐसे गाने पसंद है जिनमें शब्द होते हैं और मुझे ऐसे प्रकार का संगीत पसंद है जिसमें मैं गाने की राग को पकड़ सकूं और उस राग के साथ चल सकूं, उस राग के साथ गाना गुनगुना सकूं। आइंस्टाइन राइटर की बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। आइंस्टाइन साफ तौर पर खुश दिखाई दे रहे थे। आइंस्टाइन ने राइटर से कहा, तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते हो शायद? राइटर ने आइंस्टाइन को उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें बिंग क्रॉस्बी सिंगर का गाया हुआ कोई भी गाना पसंद है। एक बार राइटर ने बिंग क्रॉस्बी सिंगर के कॉन्सर्ट में जाकर उनकी आवाज़ को सुना था और उनकी आवाज़ इतनी पहाड़ी थी कि पूरा कमरा गूंज उठा था। बच्चों, बिंग क्रॉस्बी एक अमेरिकन सिंगर थे और एक्टर थे जिन्होंने 1600 से भी ज़्यादा गाने गाए थे। अब ये जवाब सुनते ही आइंस्टाइन ने राइटर से सवाल किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अभी अभी क्या सुना? यहाँ पर आइंस्टाइन राइटर को बिंग क्रॉस्बी सिंगर का सुना हुआ गाना गुनगुनाने के लिए कह रहे थे। राइटर को सबसे आसान जवाब लगा गाने की पंक्तियों को गाकर सुनाना, तो राइटर ने आइंस्टाइन को बिंग क्रॉस्बी का गाना गाकर बताया। आइंस्टाइन हंसने लगे। उन्होंने राइटर से कहा, तुम संगीत के ऊंचे नीचे स्वरों को सुनने में सक्षम हो। राइटर ने कहा कि ये मेरे पसंदीदा गाने में से एक है जिसे मैंने 100 बार सुना है, इसलिए इस गाने को गुनगुनाना वास्तव में कुछ भी साबित नहीं करता है। आइंस्टाइन ने जवाब दिया, बकवास, यह सब कुछ साबित करता है। क्या तुम्हें तुम्हारी स्कूल का पहला अरिथमेटिक लेसन याद है? क्या तुम्हें याद है तुम्हारी पहली मुलाकात मैथ्स के नंबर के साथ कब हुई थी?
तुम्हारे टीचर ने शायद तुम्हें तुम्हारी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा होगा, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन और फ्रैक्शन। क्या तुमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था? राइटर ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइंस्टाइन ने कहा, बिल्कुल सही, ये मैथ सीखने जैसा ही है। मैथ में कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने के लिए सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही संगीत में भी हार्ड लेवल पर पहुंचने से पहले हमें इजी लेवल को सीखना और समझना पड़ता है, ताकि हम हार्ड लेवल के म्यूज़िक को इजीली समझ सकें। आइंस्टाइन ने राइटर से कहा, अब मैं तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा एडवांस गाना लगाता हूँ। ये एल्बम जॉन मैकॉर्मैक का है, द ट्रम्पेटर। अब इस गाने को सुनो और इसके बोल मुझे वापस गाकर सुनाओ। बच्चों, जॉन मैकॉर्मैक एक मशहूर सिंगर थे 1904 के समय के। उन्होंने द ट्रम्पेटर एल्बम 1904 में गाया था। ट्रम्पेटर का मतलब होता है एक म्यूजिशियन जो ट्रम्पेट बजाता है। ये गाना वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और इसी तरह राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे शब्दों वाले गाने सुने और वो संगीत के छोटे लेवल से बड़े लेवल की ओर बढ़ते चले गए, जब तक कि बिन शब्दों वाला गाना लग ना जाए। राइटर हैरान हो गए थे देख कर कि आइंस्टाइन जैसा इतना बड़ा महान आदमी अपना पूरा ध्यान राइटर पर लगा रहे थे, ताकि राइटर कुछ नया सीख सके। राइटर बता रहे हैं कि ये नज़ारा ऐसा था मानो जैसे राइटर ही आइंस्टाइन के दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिर अचानक से आइंस्टाइन उठे और उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा, अब नौजवान, हम तैयार हैं बाग के गाने को सुनने के लिए। राइटर बता रहे हैं कि वो दोनों भी नीचे गए और हॉल में जाकर बैठ गए। आइंस्टाइन ने राइटर से कहा, बस अब अपने आप को गाने को सुनने की अनुमति दो, अब इससे से ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता। राइटर बता रहे हैं कि वो दिन का दिन है, तब से राइटर ने बाग के गाने को कई बार सुना और उस दिन से वो कभी भी अकेले नहीं रहे। राइटर बता रहे हैं कि वो उस दिन एक छोटे कद वाले आदमी के बगल में बैठे थे, जिसके बाल घने थे और मुंह में एक पाइप था, और जिसकी आंखें असाधारण दिखाई दे रही थी और गर्म दिखाई दे रही थी पाइप से निकले हुए धुएं के वजह से। जब संगीत कार्यक्रम ख़त्म हुआ, राइटर भी सच में सक्षम हो गए थे संगीत समझने में, इसलिए उन्होंने भी तालियां बजाई। कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद एक हॉस्टेस राइटर और आइंस्टाइन के पास आई। आइंस्टाइन और राइटर उसे देखकर खड़े हो गए। मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर आइंस्टाइन, हॉस्टेस ने कहा राइटर को चीड़ते हुए देखकर, कि तुमने कॉन्सर्ट का बहुत सारा संगीत खो दिया। आइंस्टाइन ने हॉस्टेस से कहा, मुझे भी माफ़ कर दो, मेरा नौजवान दोस्त और मैं व्यस्त थे एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने में, जिसे करने में इंसान सक्षम है। हॉस्टेस ये सुनते ही उलझी उलझी लगने लगी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। हॉस्टेस ने कहा, सच में? और वो कौन सा काम था? आइंस्टाइन मुस्कुराए, उन्होंने अपना हाथ राइटर के कंधे पर रखा और हॉस्टेस को जवाब दिया कि हम सुंदरता के सीमा को, हद को, दरवाजे को खोलने का काम कर रहे थे। बच्चों, सुंदरता के दरवाज़ों को खोलना मतलब संगीत एक सुंदर चीज़ है, जिसे राइटर समझने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं कि राइटर के कान के दरवाज़े संगीत के लिए बंद थे। जिन दरवाज़ों को आइंस्टाइन ने खोला ताकि संगीत की सुंदरता राइटर तक पहुँच पाए। तो इसी के साथ आपका लेसन फिनिश होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।